खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को गोहाना में सोनीपत रोड स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिलवाग बाजवान को एसोसिएशन में प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया। बाजवान सैन समाज के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और इस समय भाजपा में शामिल हैं। दिलबाग बाजवान ने कहा कि एसोसिएशन ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नंबरदारों की मांगों को सरकार तक पहुंचाकर उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा के गोहाना मंडल के अध्यक्ष बलराम कौशिक ने बाजवान को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इस मौके पर जगदीश नंबरदार, मुनिराम नंबरदार, बलबीर नंबरदार, कप्तान नंबरदार, नवाब बाजवान, राम कुमार, धर्मवीर नंबरदार आदि मौजूद रहे। कर दिया तो नंबरदार एसोसिएशन ने मेरे पर विश्वास जताया है, मैं अपने काम पर खरा उतरूंगा और नंबरदार एसोसिएशन को ना हरियाणा को मजबूत करने का काम करूंगा। और नंबरदार भाई हैं, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के प्रति वफादार रहूंगा और संगठन को मजबूत करेंगे। और जो सरकार ने हमारे प्रति घोषणा करी है वो मांग है ना, हम जिले वाइज जाकर उठवाएंगे। और जैसे मोबाइल की है, जनधन योजना, कई योजनाएं दी थी हर एक नंबरदारों को, वह बीमार होने पर आयुष्मान भाव के वो उस पर 5 लाख रुपए सीएम साहब ने एसआर में घोषणा की थी, वो आज तक भी लागू नहीं करी। हम इसको लागू करवाने के सीएम साहब से मिलेंगे और इसको लागू करवाने का काम करेंगे और इसको लागू करवाएंगे करवाने की, जिससे है ना नंबरदार परिवार को, नंबरदार के सभी साथियों को उसका लाभ मिले। नंबरदार मेरा जगदीश नंबरदार है, जगदीश नंबरदार गोहाना, हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन में गोहाना सेक्रेटरी हूँ। और आज दिलबाग जी बाजवान को 4 मई को उनको उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया था और हमें इनसे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सरकार से हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी मांगों को भी आश्वस्त पूरी करवाएंगे। हमारे बड़े भाई और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नंबरदार दिलबाग बाजवान जी, इनको 4 मई को पूरी हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन ये बाहर थे, कार्य ज़्यादा होता है, पूरे हरियाणा को देखना होता है, तो आज जैसे गोहाना पहुँचे तो सभी गोहाना निवासियों ने इनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन किया है। और हम चाहते हैं कि पहले भी सैन समाज के हरियाणा के प्रधान हैं, तो हम चाहते हैं कि नंबरदार जी इसी तरह समाज सेवा करते रहें और जो सम्मान इनको प्रदेश ने दिया है, नंबरदार एसोसिएशन ने दिया है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए ये हम आशा करते हैं कि हमारे भाई इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और समाज का भला करते रहेंगे। हमारी तरफ से, सभी गोहाना निवासियों की तरफ से दिल की गहराई से भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और पूरे हरियाणा के नंबरदारों का दिल की गहराई से हमारे गोहाना को ये सौभाग्य देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। ये मान्यता है।